संरक्षण और उत्तर प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष हम लोग तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम होने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो हमारे वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है, और हमारे टाइगर रिजर्व हैं, कुछ उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे और उसके बारे में काफ़ी तथ्यों को जानेंगे। तो हम बात करें कि वन्य जीव संरक्षण जो होता है, वन्य जीव विहार जो होते हैं या फिर टाइगर रिजर्व होते हैं, इनका घोषित करने का क्या मतलब होता है। तो जो हमारे वन्य जीव संरक्षण जो संगठन है वो क्या करता है कि जो जीवों का जो संरक्षण करता है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक अभयारण्य होता है, ठीक है, अभयारण्य जहाँ पर ऐसा अरण्य मतलब जंगल जहाँ पर क्या हो डर ना लगे, तो अभयारण्य को क्या करता है वो लोग क्या करते हैं सुरक्षित रखते हैं, जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे भी क्या होगा टाइगर रिजर्व में क्या होता है कि जो बाघ परियोजना है जो प्रोटेक्शन है बाघों को बचाया जाना ताकि क्या हो रहा है कि वो बचे रहें उनका अस्तित्व हमारा बना रहे। और साथ में क्या हो कि हर देशों में क्या हो रहा है कि टाइगर रिजर्व को बचाने का काफ़ी लंबे अरसे से प्रयास चल रहा है और ये प्रयास हमने कुछ हद तक इसे पा भी लिया है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण है उसकी भूमिका क्या है और हमारा जो बच्ची विहार है या वन्य जीव विहार है और साथ में टाइगर रिजर्व है उनकी क्या भूमिका है। तो सही आइए देखते हैं हम लोग क्या कि बात करेंगे सबसे पहले क्या कि वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, तो हमने ये एक टॉपिक उसको पढ़ना है उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव संरक्षण है इसके बारे में। ठीक, तो जो वन्य जीव संरक्षण है अगर हम बात करें कि वन्य जीव संरक्षण को सर्वप्रथम जो संगठन है इसकी स्थापना कहाँ हुई, भारत में किस राज्य में हुई, तो अगर हम इस संरक्षण की हम बात करें तो जो वन में यानी कि फॉरेस्ट में जो हमारे जीव रहते हैं उनको क्या करना, उनको संरक्षित करना है, क्या करना, जीवों को संरक्षित करना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या बनाया, एक संगठन बनाया है, क्या बनाया, एक संगठन बनाया है कि जो वन में जो जीव रहते हैं उनको हम क्या कर सकें, एक सुरक्षा प्रदान कर सकें, उनके अस्तित्व को हम बचाए रखें। तो अगर हम बात करें कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। तो क्या रखेंगे डाटा, आप याद रखेंगे कि जो वन्य जीव संरक्षण एक संगठन है, ठीक है, तो वन्य में जीवों को बचाने के लिए सर्वप्रथम जो संगठन बना वो सर्वप्रथम कहाँ बना, तो अगर देश की बात करें पूरे ऑल इंडिया में तो सर्वप्रथम ये संगठन कहाँ स्थापित हुआ, तो ये संगठन जो स्थापित हुआ वो हुआ आपका यूपी में। कब, 1956 में, कब हुआ, 1956 में। तो ये जीवों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हों प्रोटेक्शन हम हमने कहाँ स्थापित किया, यूपी में किया। तो ये हमने देखा वन्य जीव संरक्षण के बारे में, ये संगठन हमारा है, ठीक है। और बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम प्राणी उद्यान की बात करें, यूपी में प्राणी उद्यान का मतलब होता है चिड़ियाघर,
क्या होता है चिड़ियाघर। तो हम देखें उत्तर प्रदेश में हमारे प्राणी उद्यान कितने हैं, टोटल कितने हैं, और प्राणी उद्यान क्या होता है कि चिड़ियाघर यानी कि जू, क्या होता है जू, यहाँ पे क्या होता है जो चिड़ियाघर होते हैं और जहाँ जो प्राणी उद्यान होते हैं जो बहुत सारे जीव विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीव रखे होते हैं या होते हैं, साथ में उनको देखने के लिए और मनोरंजन के लिए और उनको संरक्षण के लिए भी हम क्या करते हैं प्राणी उद्यान को क्या करते हैं स्थापित करते हैं। तो अगर हम प्रदेश की बात करें कि प्रदेश में कितने हमारे प्राणी उद्यान हैं, तो प्रदेश में अगर बात करेंगे तो हमारे टोटल 3 हैं। कितने हैं? टोटल 3 हैं। इनमें से 2 जो हैं वो संचालित हैं यानी कि वर्तमान में संचालित हैं, और इनमें से 1 क्या है इसमें निर्माणाधीन है। याद रखेंगे कि इसमें से जो 3 हमारे उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं, तो 3 हैं, इनमें से 2 क्या है संचालित हैं जो वर्तमान समय चल रहे हैं, और इसमें से जो 1 है वो हमारा क्या है निर्माणाधीन है। जो निर्माणाधीन है वो गोरखपुर में है, ठीक है, वो गोरखपुर निर्माणाधीन है, अब बाकी हमारे 2 क्या हैं चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वो तीनों कौन कौन से हैं, वो तीनों कौन कौन से हैं, तो जो हमारा प्रदेश का पहला जो प्राणी उद्यान है जो चिड़ियाघर है वो आपका कौन सा है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान तो ये जो हमारा नवाब वाजिद अली जो प्राणी उद्यान है ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ में 1921 में, कब 1921 में लखनऊ में इसे स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे क्या कि हमारे प्रदेश का जो पहला प्राणी उद्यान है वो कौन सा है, नवाब वाजिद अली शाह, कहाँ उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, लखनऊ ज़िले में, कब स्थापित हुआ 1921 में। ये नवाब अली जो नवाब वाजिद अली शाह हैं ये क्या है उत्तर प्रदेश, ये जो नवाब वाजिद अली शाह हैं ये क्या है उत्तर प्रदेश के यानी अवध वाले एरिया के क्या थे, मतलब अवध के ये अंतिम नवाब थे, क्या थे अंतिम नवाब थे। अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा हमारा कौन सा है प्रदेश का दूसरा प्राणी उद्यान कौन सा हमारा है, तो प्रदेश का दूसरा प्राणी उद्यान की हम बात करें तो वो है आपका एलन एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। और ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में है, कहाँ लखनऊ में, ये आपका लखनऊ में सॉरी इसमें क्या है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये क्या है 1974 में से हमने स्थापित किया, कहाँ कानपुर में, कहाँ कानपुर में, कहाँ याद रखेंगे कानपुर, कानपुर में। तो ये हमारा दूसरा क्या है हमारा प्राणी उद्यान है यानी कि चिड़ियाघर है, ये कहाँ कानपुर में इसे स्थापित किया गया, कब 1974 में। प्रदेश का तीसरा अगर पूछा जाए कि प्रदेश का तीसरा जो प्राणी उद्यान है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या वो कौन सा है, तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान और ये आपका कहाँ है, तो ये है गोरखपुर, और ये वर्तमान में क्या है निर्माणाधीन है,
हमने देखे प्रदेश के हमारे क्या हैं, प्रदेश के हमारे तीन प्राणी उद्यान हैं यानी चिड़ियाघर है। सबसे पहले हमने देखा जो हमारा जो सर्वप्रथम हमारे प्रदेश में जो चिड़ियाघर यानी कि प्राणी उद्यान स्थापित हुआ वो कौन था, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, इसे 1921 में स्थापित किया गया। फिर हमारा प्रदेश का जो दूसरा राष्ट्रीय जो हमारा प्रदेश का जो दूसरा जो प्राणी उद्यान है यानी चिड़ियाघर है वो कौन है, एलन फॉरेस्ट, ठीक है, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये कहाँ हमारा कानपुर में है, इसे कब स्थापित किया गया, 1974 में। जबकि हमने तीसरा देखा शहीद अशफाक उल्ला खां जो प्राणी उद्यान है जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर निर्माणाधीन है, तो हमारा गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये हमने देखा जो प्रदेश के हमारे तीन प्राणी उद्यान हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि जो हमारे प्रदेश के क्या हैं, जो टाइगर रिजर्व हैं क्या है, जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, जो बाघ प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, टाइगर रिजर्व यानी जो बाघ प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में कितने हैं और कौन कौन से हैं, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ से क्वेश्चन लोअर पीसीएस और अपर और ये उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के हमारे कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश में हमारे कितने तीन टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे वर्तमान में देखा जाए तो तीन टाइगर रिजर्व वर्तमान में स्थापित किए गए हैं, कितने, तीन। तो इसमें देखेंगे जो टाइगर रिजर्व है ये क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइगरों को उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमने अभियान चलाया था, कौन, टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो हमने अभियान चलाया वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया। तो वो भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया, तो टाइगर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया, इसे कब चलाया गया, तो 7 अप्रैल, क्या रखेंगे, 7 अप्रैल 1973। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि हमारे पूरे संपूर्ण भारत में टाइगरों को रिजर्व करने के लिए, क्या, टाइगरों को रिजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट हमने चलाया वो कब चलाया, तो 7 अप्रैल 1973, ठीक है। और पूरे भारत में पूरे भारत में से हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में हमारे कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, तो कितने किए गए, आप याद रखें कितने, तीन घोषित किए गए हैं। जबकि पूरे ऑल इंडिया में देखें तो लगभग हमारे 50 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, क्या, 50 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, यानी कि 50 ऐसे हमारे क्या होंगे, राष्ट्रीय उद्यान होंगे या वन्य जीव अभयारण्य होंगे जहां पर क्या हुआ होगा, टाइगरों को रिजर्व करने के लिए अभियान चलाया जा रहा होगा या उनको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या, तो हमारे जो टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट 1973 में हमने चलाया, ठीक है, हालांकि पूरे भारत में चलाया, कितने टोटल पूरे भारत में हमने कितने, लगभग 50 टाइगर रिजर्व घोषित किया हमने, कितने, 50। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो तीन है हमारे वो तीन कौन कौन से हैं, देखते हैं इसको। सबसे प्रथम सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम की बात जब आती है कि टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात आती है तो प्रदेश का जो सर्वप्रथम टाइगर रिजर्व हमने घोषित किया वो हमने किया कौन, दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है हमारा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्या कर दिया, दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, कब, दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। तो हम देखेंगे वो दुधवा के बारे में, तो जो सर्वप्रथम की जब बात आती है तो हमने दुधवा को सर्वप्रथम पशु विहार के रूप में स्थापित किया था, सर्वप्रथम सर्वप्रथम दुधवा को पशु विहार के रूप में
1968 में स्थापित किया। तो याद रखेंगे कि जो हमारा दुधवा है, जो आज हम उसको जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के रूप में देख पाते हैं, वो कभी 1968 में क्या हुआ करता था, तो वो कभी 1968 में क्या पशु विहार हुआ करता था, क्या पशु विहार हुआ करता था। फिर ऐसे हमने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए हमने एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया। तो हमने दुधवा को आगे चलकर दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, हालांकि ये उत्तर प्रदेश का केवल एक ही काली मल एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय पार्क है यानी नेशनल पार्क है, कौन सा, दुधवा। और इसे हमने कब नेशनल पार्क घोषित किया, तो 1977 में, कब 1977 में हमने क्या किया, इसको नेशनल पार्क के रूप में स्थापित कर दिया। अब आगे चल के हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व सर्वप्रथम को स्थापित किया गया, जो टाइगर रिजर्व, उसे हमने दुधवा टाइगर रिजर्व को ही घोषित किया था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया। क्या टाइगर रिजर्व घोषित किया, कब किया, देखते हैं कि प्रदेश का सर्वप्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा को दुधवा को 1987 में घोषित किया। तो याद रखेंगे क्या कि हमारे प्रदेश का जो सर्वप्रथम प्रदेश का हमारा सर्वप्रथम जो टाइगर रिजर्व घोषित किया, हमने किसको किया, तो दुधवा टाइगर रिजर्व को हमने सर्वप्रथम 1987 में, ठीक है, इसको हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया। अगर हम बात करें कि ये किस जिले में पड़ता है, ठीक है, इसका स्थान क्या है, ठीक है, अगर स्थान के बारे में अगर चर्चा किया जाए कि स्थान कहाँ है, तो स्थान इसका क्या होगा, ये लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे क्या कि जो टाइगर दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो कहाँ, लखीमपुर खीरी। तो ये लखीमपुर खीरी क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पे क्या है, सबसे बड़ा जिला भी है उत्तर प्रदेश का, और कुछ एरिया, थोड़ा बहुत एरिया क्या पीलीभीत में आता है, लेकिन अधिकतर यानी संपूर्ण एरिया किस में आता है, लखीमपुर में ही आता है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या है, 490 वर्ग किलोमीटर में क्या है, इसका एरिया फैला हुआ है।
तो क्या याद रखेंगे, 490 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है एरिया फैला हुआ है। तो ये तो हमारा रहा पहला राष्ट्रीय, हमारा पहला टाइगर रिजर्व प्रदेश का। और दूसरी की बात करें कि दूसरा हमारा कौन सा है, तो प्रदेश का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है, प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व, तो जो आपका दूसरा है वो आपका कौन सा है, वो है आपका अमनगढ़, क्या है अमनगढ़, ठीक है बिजनौर, ठीक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा है, अमनगढ़, टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, ये किस जिले में पड़ता है, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये आपका बिजनौर में, कहाँ पर बिजनौर में, बिजनौर में। तो जो हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये प्रदेश का क्या है दूसरा टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पर पड़ेगा किस जिले में, तो ये बिजनौर में, कहाँ पर बिजनौर में। फिर उसके बाद जो हमारा जो प्रदेश का, जो प्रदेश का जो हमारा जो तीसरा टाइगर रिजर्व है, कौन सा तीसरा जो टाइगर रिजर्व है, वो आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जो प्रदेश का तीसरा है वो क्या है, पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो ये देखेंगे, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये किस जिले में, तो जिला तो आपके यहां पे लिखा हुआ दे जानी गए होंगे, तो ये जो जिला है वो कौन सा, पीलीभीत ही है। कौन सा है जिला, कौन सा, तो पीलीभीत ही है। इसे हमने टाइगर रिजर्व कब घोषित किया, इसे हमने कब किया, तो इसे हमने 2014 में, कब 2014 में घोषित, 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। और ये ऊपर देख ले, इसे हमने 2012 में, ठीक है इसे हमने 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया, कब 2012 में, और इसे हमने कब घोषित किया, तो 2014 में, ठीक है 2014 में। तो हमारे ये तीन क्या हैं, ये हमारे तीन के का टाइगर रिजर्व रहे हैं। हमने पहला देखा कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व, उसे कब स्थापित किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में, तो 1987 में स्थापित किया गया। फिर प्रदेश का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, बिजनौर में है, और ये 2012 में इसे स्थापित किया गया। प्रदेश का तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, पीलीभीत में है, इसे कब घोषित किया गया 2014 में, कब 2014 में। फिर इसके बाद में कुछ हमारे कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, उसके बारे में जरा देखेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रदेश में भालुओं के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, पुनर्वास केंद्र, तो इसमें आप बताइएगा कि ये कहाँ पर है, ये मथुरा में, कहाँ पर मथुरा। तो मथुरा में हमने क्या किया कि जो प्रदेश में भालुओं के लिए हमने क्या किया कि एक पुनर्वास यानी उनको रहने का एक स्थान हमने बनाया है, ठीक है पुनर्वास केंद्र बनाया है, वो कहाँ बनाया है, मथुरा में, कहाँ पर मथुरा में बनाया है। अगर पूछ ले कि मयूर संरक्षण केंद्र हमने कहाँ बनाया है, अगर मयूर, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मयूर संरक्षण केंद्र, तो ये बताइएगा कहाँ, वृंदावन मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया हमने, वृंदावन, और वृंदावन कहाँ पड़ता है, तो मथुरा में।
मथुरा के मयूर संरक्षण केंद्र हमने कहाँ स्थापित किया है, तो वृंदावन मथुरा में। कहाँ? वृंदावन मथुरा में। अगर हम देखें कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य क्या घड़ियाल अभ्यारण्य, तो बताएंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये बताएंगे आप कि जो हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें जो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है, क्या लायन सफारी है? लायन सफारी पार्क, तो ये बताएंगे जो लायन सफारी पार्क है वो हमारा कहाँ है, तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय चंबल क्षेत्र इटावा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा। तो ये जो लायन सफारी है वो आपका कहाँ? इटावा में है, इटावा वाले जिला में है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। लेकिन ये जो राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य ये है, ये आपके तीन प्रदेशों में आता है। ठीक है, ये तीन प्रदेश में इसका विस्तार है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, और साथ में राजस्थान में भी है। ये तीन जिलों तीन राज्यों में क्या आपका फैला हुआ है? कौन? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र। लेकिन जो लायन सफारी है, क्या लायन सफारी हो? उत्तर प्रदेश के एरिया में जो आता है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा वाले एरिया में, तो वहाँ पे लायन सफारी को हमने क्या क्या है स्थापित किया है? क्या लायन सफारी को स्थापित किया है? तो हमने आज के वीडियो में क्या है कि हमने वन्य जीव संरक्षण के बारे में थोड़ा पढ़ा, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने साथ में प्राणी उद्यान के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो, ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।